एक चीज समझ में नहीं आती कि आप लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर देते हैं। 1000 बार समझाया गया है कि आपको कंटिन्यू जो है अपने आप को एक्टिव रखना है और इस पे 500 वीडियो बनाए हैं। देखिए कैंसल मेंबरशिप, अभी रिसेंटली मेरा एक बंदा है, क्योंकि मेरे डायरेक्ट्स काफी सारे हैं और करीब 400 के समथिंग है, और कई बार क्या होता है कि व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे या कहीं भी है, बहुत सारे कॉन्टेक्ट होने की वजह से आप डायरेक्टली किसी से जो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं कई बार वीडियो जो है बना देता हूँ। और लगातार आपको अलर्ट भी किया है मैंने अपने वीडियो के माध्यम से, हमारे लीडर्स दिन रात यहाँ पर जाकर के वेबिनार मीटिंग में हम लोग जाकर के क्लियर करते हैं, अपने वीडियोस में क्लियर करते हैं कि यार आपको गलतियां ये नहीं करना है, इसके बावजूद भी वही गलतियां करते हैं। और इतनी बड़ी गलती जो कि बार बार बताने के बाद भी अगर आप करते हो, तो किसी लीडर को, किसी भी बंदे को दोष आप मत दीजिए, अभी ब्लेजर को कभी दोष मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी जब नया काम करने जाते हैं तो कंसल्ट क्यों नहीं करते हैं यार, मुझे एक बताइए। इतनी बड़ी गलती आपको कितनी भारी पड़ गई, आप देखिए। कुछ अभी क्या हुआ कि हमारा एक बंदे, उन्होंने क्या किया कि अपना ईमेल आईडी भाई साहब चेंज करने के लिए जा रहे थे। मतलब पहली बात तो उनको किसने ये बताया कि ईमेल आईडी चेंज हो सकती है, किसी ने बताया नहीं, और आज तक मेरे ख्याल से किसी भी बंदे ने शेयर नहीं किया कि अपना ईमेल आईडी जो आप चेंज कर सकते हो। अपना ही माइंड लगाए और गए भाई ofounder.net पर, ईमेल चेंज करने गए। पहली बात तो ईमेल चेंज का ऑप्शन वहां पर है ही नहीं, दूसरी बात वहां पर सिर्फ एक आता है, प्रोफाइल में जाओगे आप तो वहां जैसे ही आप जाएंगे तो कैंसल मेंबरशिप का ऑप्शन आता है। उन्होंने भाई साहब ने वहाँ कैंसल मेंबरशिप कर दिया और ओटीपी जो आया अपने ईमेल पर उसे भी जो है डाल दिया, और वहाँ से रिफंड का मैसेज आ गया कि अब आप जो है आपको रिफंड इतने 7-8 वर्किंग डेज में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको किसने बोला था कि पहले तो आप ईमेल में वहाँ पर जाएँ और वहाँ जो अपने ओ फाउंडर्स में जाएँ और वहाँ से ईमेल चेंज करेंगे? पहले वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं था, ना आपने किसी से कंसल्ट किया ना पूछा, और आप डायरेक्ट जा करके वहाँ पर कैंसल मेंबरशिप को दबा दिया। लगातार मना किया गया, मिस्टर ऐश ने मना किया है, और भी जो हमारे लीडर्स हैं लगातार वीडियोस बनाए, समझाया 500 बार समझाया गया कि प्लीज ऐसी गलती मत करिए, और आप वो गलती कर रहे हैं, इसका ये मतलब है आप एक्टिव नहीं है। आप लगातार जो अच्छे वीडियोस आते हैं आप मुझे नहीं फॉलो कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा जो आप हमारे मीटिंग्स होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, उसको आप ध्यान से सुनते नहीं हैं, हवा में उड़ा देते हैं सारी चीज़ों। गलती किसकी है दोस्तों? आपकी खुद की गलती है। और ये किसी भी कंडीशन में अगर आपने कैंसिल मेंबरशिप को दबा दिया है बटन को, तो आपका कभी भी जो है रिफंड नहीं आएगा। देखिए एक सेटिस्फेक्शन के लिए जरूर मैंने अपने पास से सपोर्ट टिकट लगाया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपकी कैंसल मेंबरशिप हो गई है तो वो आप लाइफ टाइम के लिए जो है ऑन पैसिव के जो है फाउंडरशिप से आप जा चुके हैं। तो अब इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, ना आप ऑन पैसिव को दोष देंगे, ना लीडर्स को दोष देंगे, ना किसी और को दोष देने वाले हैं आप। क्यों? क्योंकि भाई आपकी इतनी सी जो गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, जिसको आप एक थोड़ा सा दिमाग, मतलब यह है कि एक कम्युनिकेशन गैप, मतलब आप एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन कर रहे होते, अगर आप यह पूछ लिए होते कि भाई ईमेल जो है मैं चेंज कर सकता हूं या नहीं, जबकि इस पे भी बताया गया है ईमेल चेंज नहीं कर सकते, ईमेल चेंज करने का ऑप्शन नहीं है ofounders.net में, तो आप क्यों जाकर के वहां पे बिना वजह के जो है इतनी बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों ऐसे कई लोग हैं, ऐसे अभी कुछ बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आया कि गलती से मेरा कैंसिल मेंबरशिप हो गया। गलती से नहीं होता है, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, उसके बाद में आप सबमिट करेंगे, उसके बाद में फिर आपका रिफंड का वहां पे ऑप्शन लगता है। तो दोस्तों ये तो उन लोगों के लिए जिनको बहुत जल्दी से बोले खलबली मची है कि अभी तक मेरा जो है पैसा नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो रहा है, तो वो बड़ा परेशान आत्मा जो है ना उसके लिए ये चीज थी, राइट? ये उसके लिए चीज थी कि जो बिना वजह के परेशान है ऑन पैसिव में, अगर उससे ज्यादा परेशानी तो वो कैंसिल मेंबरशिप बटन जाके वापस जा सकता है। लेकिन आप एक्टिव थे, लेकिन आप एक्टिव ऐसे थे कि बस हाँ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपना दिमाग कुछ भी लगा करके आपने वहां पर अपना ये चीज को इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों सोचिए यार आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोग तो पागल नहीं है, हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे, देखिए मैं वो सीरियसली ये वीडियो बना रहा हूँ, मीटिंग्स रात भर वेबिनार मीटिंग अटेंड करते, इतने सारे फाउंडर आकर के वहां पे अपना शेयरिंग रखते हैं, डेली बताते हैं कुछ ना कुछ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बावजूद भी ऐसी बड़ी गलती अगर आप कर रहे हैं दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप जो है बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। एक्टिव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लॉग इन वगैरह कर रहे हैं, आपको दूसरी चीजों का भी ख्याल रखना है, और कुछ भी करने के पहले अपने ब्लेजर से जो एक्टिव बंदा है उससे जरूर कंसल्ट कीजिए, और बिना वजह के आप जो है ऐसी परेशानियों में फंस जाएंगे। और आप
अगर मुझसे भी कांटेक्ट करते हैं, देखिए कई लोग बोलते हैं कि मैं फ़ोन रिसीव नहीं करता हूँ या व्हाट्सअप पे जवाब नहीं दे पाता हूँ, बिल्कुल ऐसा आपकी गलत फहमी है। इतने सारे होते हैं मेरे पास व्हाट्सअप वगैरह कि मैं शायद नहीं देख पाता हूँ कई बार, इसीलिए मैं कई बार वीडियो बना देता हूँ। प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं ये गलती होती है, कभी हो जाती है, मैं आपके नहीं उठा पाता हूँ फ़ोन वगैरह, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलूँगा, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो प्लीज़ जो है इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसी गलतियाँ जिन लोगों ने करी हैं वो तो कर दी हैं, लेकिन आप फ्यूचर में ऐसी गलती मत करिए। कैंसिल मेंबरशिप बटन को गलती से भी मत दबाइएगा प्लीज़।